आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर टू का चैप्टर फाइव। चैप्टर फोर तक बहुत अच्छा था, हम लोग पढ़ लिए थे। अगर चैप्टर फोर तक आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर फाइव। हमारे चैप्टर फाइव क्या है? औद्योगिक क्रांति। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत अच्छा से जरूरी है। तो औद्योगिक क्रांति क्या था, ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, इसका परिणाम क्या क्या था, इसका कारण क्या था, ये सब विस्तार से बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। इसको अंत तक बस देखते रहिए। तो देखिए ये जो औद्योगिक क्रांति था, ये कुछ इतिहासकारों का क्या कहना था, इस औद्योगिक क्रांति के बारे में इतिहासकारों का क्या कहना था। देखिए औद्योगिक क्रांति मुख्य रूप से उद्योगों में क्रांति आई थी। क्रांति का मतलब होता है अचानक परिवर्तन होता है, अचानक किसी क्षेत्र में बहुत तेजी से जो परिवर्तन होता है उसको क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो ये उद्योग के क्षेत्र में क्रांति होते हैं, यानी कि मशीनों का विकास होने लगा था। और जो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है, ये कहना है कि ये जो क्रांति हुआ ये अचानक नहीं हुआ, कुछ समय अंतराल के अंदर ही ये हुआ। अब ये अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे करके ये क्रांति औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों में क्रांति आई। और इतिहासकारों का ये भी कहना है कि मानव सभ्यता में सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण क्रांति हुआ, जो मानव समाज में सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण क्रांति। कौन कौन क्रांति हुआ? एक क्रांति तब हुआ जब पाषाण काल में, आपको पता है पाषाण काल के शुरुआती दौर में यानी पत्थरों वाला काल में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, उस काल में मनुष्य क्या करते थे? शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, यानी कि शिकार से ही अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन पाषाण काल के अंतिम समय में क्या हुआ, मनुष्यों ने शिकार करना कम कर दिया, कम या छोड़ दिया, और उसके बाद वो लोग कृषि और पशुपालन पर मुख्य रूप से आधारित हो गए। मुख्य रूप से आधारित शुरू में किस पर थे? शुरू में जो थे वो शिकार पर थे, लेकिन पाषाण काल के अंतिम दौर में वो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित हो गए। तो पहला क्रांति वहां पर हुआ जब वो शिकार छोड़कर कृषि की ओर बढ़े, यानी कृषि किया। दूसरा क्रांति तब हुआ जब वो कृषि छोड़कर व्यापार और ये कल कारखानों की तरफ, व्यापार और ये व्यवसाय और व्यापार की तरफ बढ़े, यानी कल कारखाने स्थापित होने लगे। दूसरा क्रांति तब हुआ, यानी दो को क्रांति हुआ जब एकदम अचानक परिवर्तन हुए। तो वही दूसरा जो क्रांति वो औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, जब ये बहुत सारे कारखाने लगने लगे, मशीनों का विकास हुआ, वो औद्योगिक क्रांति होता है। और देखिये ये औद्योगिक क्रांति सिर्फ यूरोप में नहीं, देखिये शुरू तो यूरोप से हुआ था, लेकिन सिर्फ यूरोप में ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया औद्योगिक क्रांति। देखिए अभी वर्तमान में भी औद्योगिक क्रांति ने ही प्रभावित किया, कितने ज्यादा मशीन हो गए हैं, अब मशीनों से कितना काम आसान हो गया है, लोगों का बहुत ज्यादा समय बच जाता है और बहुत सारा काम आसान हो गया, इसीलिए दुनिया इतनी तेजी से विकास हो पा रहा है, दुनिया का इतना तेजी से विकास हो पा रहा है। तो ये औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ पहले समझ लेते हैं क्या होता है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ, क्योंकि लिखने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति का अर्थ, क्रांति का अर्थ देखिए, इसका अर्थ ये हुआ औद्योगिक क्रांति का, तो ये अर्थ समझने से पहले ये समझना जरूरी है औद्योगिक क्रांति के बारे में कि 17वीं शताब्दी के पहले, कब? 17वीं शताब्दी के पहले जो लोग थे वो अपना सारा कार्य खुद करते थे, मतलब सारे हाथों से ही, हाथों के सहायता से, मतलब लोगों द्वारा ही सारा काम आश्रित होता था। जैसे 17वीं शताब्दी तक ऐसे कह सकते हैं कि मशीनों का ज्यादा विकास नहीं हुआ था, मशीनों का ज्यादा विकास नहीं हुआ था। अब देखिए ज्यादा विकास नहीं हुआ था, और एक और बात ध्यान से समझिए, मान लीजिए कोई किसान है तो क्या करता था, 17वीं शताब्दी के पहले मशीन का विकास नहीं होता, क्या करता था, किसान है तो वो खेती करता था और उसके जो परिवार पहले सम्मिलित रूप से रहते थे, सारा मतलब परिवार एक ही में रहता था, तो वो परिवार भी किसमें लगे हुए हैं, कृषि कार्य में ही लगे हुए, किसान के साथ ही, ये किसान कार्य कर रहा है उसके साथ सारे परिवार कहाँ पर लगे हुए, वहीं पर। तो उनका क्या होगा, आय में ज्यादा वृद्धि होगा या नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग उसी में लगे हुए हैं और बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है क्योंकि इंसान ही कर रहा है ना। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य तक मशीनों का विकास होने लगा
और बहुत तेजी से कार्य होने लगे, कृषि में भी बहुत तेजी से कार्य। अब एक वो आदमी 10 आदमी के कार्य कर सकता था, 10 लोगों का कार्य कर सकता था, क्योंकि मशीन आ गए थे। और मशीनों से आप देखते भी है कृषि में कितने बड़े बड़े, अभी तो और ज्यादा बड़े बड़े मशीन आ गए हैं। उसमें बहुत छोटे मशीन थे, लेकिन इस समय कितना ज्यादा मशीन, 100 लोगों का काम अकेले एक मशीन कर देता है। उस समय तो 10 लोग काम करता था, अब तो 100 लोगों का काम अकेले मशीन, मशीनों द्वारा ही पूरा कृषि हो गया है। अब कृषि किस पर निर्भर पूरा हो गया, मशीनों द्वारा ही। मतलब इंसान भी है, इंसानों का महत्व है, लेकिन बहुत ही कम, मतलब कुछ ही लोग बहुत सारा कृषि, बहुत सारा खेत कर देते हैं। ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ता है जरूरत, लेकिन बहुत कम ही मात्रा में जरूरत पड़ता है। अब उसके बाद ये तो हुआ, अब इसका अर्थ औद्योगिक क्रांति का अर्थ। अब इसको क्रांति क्यों कहते हैं, औद्योगिक क्रांति, क्योंकि मशीनों का विकास हुआ था यहाँ पर ना 18वीं शताब्दी के मध्य तक। मशीनों का तेजी से विकास होने लगा, और तेजी से विकास होने के साथ साथ जो छोटे छोटे कारोबारी थे, किसानों ने तो बहुत सारा, अब किसानों में क्या परिवर्तन आया, किसान बहुत ज्यादा मात्रा में खेती करने लगे, बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि मशीन आ गया, मात्रा में खेती करने लगे, खेती करने लगे। और छोटे व्यापारी, छोटे व्यवसाय करने वाले कारखाने स्थापित करने लगे। ये क्या करने लगे, कारखाने स्थापित करने लगे। जो छोटे व्यापारी थे वो क्या करने लगे, कारखाने स्थापित करने लगे, और बड़े बड़े व्यापारी बनने लगे। लेकिन यहाँ पर तो मशीनों का विकास हो रहा है, ध्यान समझिएगा, मशीनों का विकास हो रहा है, तो इसको क्रांति क्यों कहते हैं, क्रांति के। हाँ, विकास भी तो कह सकते हैं ना, विकास नहीं कह सकते हैं कि मशीनों का तेजी से विकास हुआ, लेकिन औद्योगिक क्रांति क्यों कहते हैं, औद्योगिक विकास क्यों नहीं कहते हैं, औद्योगिक विकास भी तो कह सकते हैं, क्रांति क्यों कहते हैं, क्रांति का मतलब तो देखिए, क्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि तेजी से परिवर्तन हुआ, अचानक बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, अचानक मशीनों के जो मशीन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक परिवर्तन हुआ, अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में मशीन बनने लगे, लोग ही बनाए, ऐसे अपने से नहीं बना, लोग ही बनाए, लेकिन अचानक बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रांति। और ये अभी तक चल रहा है, देखिए कितना ज्यादा मशीनों का परिवर्तन हुआ, कितना क्या कुछ हुआ। और ये मुख्य रूप से शुरू हुआ था इंग्लैंड में, कहां शुरू हुआ था, इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा, ये औद्योगिक क्रांति कहां शुरू हुआ था, इंग्लैंड में, इंग्लैंड से ये क्रांति शुरू हुआ था, क्रांति शुरू हुआ था और पूरे यूरोप में फैल गया, शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैल, यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया में क्या हुआ, फैल गया, और अभी तक ये चल ही रहा है। अभी ये कैसे फैला, क्या हुआ, ये सब आगे अगले भाग में बात करेंगे। हम लगते हैं इतना आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में, इसके आगे वाला अगला भाग में पढ़ेंगे, हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।